बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 10। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। आज हम इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल 80 स्क्वायर y इक्वल 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। पैरामेट्रिक इक्वेशन द पहली इक्वेशन है x इक्वल 80 स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन है y इक्वल 280। हमने इन दोनों इक्वेशन में से जो पैरामीटर t है उसको इलिमिनेट करना है, यानी कि ख़त्म करना है। हमने पैरामीटर t को इक्वेशन 1 और 2 से ख़त्म करना है। तो यही बात लिखेंगे, वही इलिमिनेट पैरामीटर t फ्राम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखें यहाँ पर हम किस इक्वेशन से t की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इक्वेशन 2 को देखें तो यहाँ से t की वैल्यू हम बड़ी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। फ्राम इक्वेशन 2 y इक्वल 280, तो t की वैल्यू आ जाएगी, ये 2a वाला फैक्टर जो है इधर आकर y के साथ डिवाइड हो जाएगा, y से डिवाइड होगा, t की वैल्यू बनेगी y ओवर 2a। अब ये t की वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी x इक्वल a, t की वैल्यू है y ओवर 2a होल स्क्वायर। तो y का ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है, तो न्यूमिनेटर का स्केयर अलहदा आएगा और डिनोमिनेटर का स्केयर अलहदा, तो y का स्केयर आ जाएगा y स्केयर, 2a, 2 का स्केयर 4 और a का स्केयर आएगा a स्केयर। तो यहाँ a के दो फैक्टर हैं, a और इधर a का एक फैक्टर है, तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी x इक्वल y स्केयर ओवर 4a। तो ये आ गया, अब 4a इधर डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, इधर आएगा तो ये लेफ्ट साइड के x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास इक्वेशन आएगी y स्क्वायर इक्वल 4ax। तो यही इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी। शो क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 है, शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल a cos थीटा y इक्वल b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है हमारे पास, पहली इक्वेशन है x इक्वल a cos थीटा, दूसरी इक्वेशन है y इक्वल b sin थीटा। अच्छा, अगर आप इलिप्स की इक्वेशन को गौर से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, इसका मतलब है हमें x ओवर a की वैल्यू चाहिए। तो आपने हमें करना क्या है कि इक्वेशन 1 और 2 में से थीटा को इलिमिनेट करना है, पैरामीटर थीटा को इलिमिनेट करेंगे हम। वी इलिमिनेट पैरामीटर थीटा फ्राम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फ्राम इक्वेशन 1 आप यहाँ से x ओवर a की वैल्यू आएगी cos थीटा इक्वेशन 1 से, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन देखें वहाँ x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, तो हमें x ओवर a की वैल्यू चाहिए होगी, x ओवर a इक्वल cos थीटा। इसी तरह फ्राम इक्वेशन नंबर 2 y ओवर b जो है वो है sin थीटा के इक्वल। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का आप स्केयर ले लें और फिर इनको ऐड कर लें, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। पहले इक्वेशन 3 का स्केयर लेंगे x स्क्वायर x ओवर a होल स्केयर, इसी तरह ये राइट साइड होगी इसकी cos स्क्वायर थीटा। फिर इक्वेशन 4 का आप स्केयर लोगे y ओवर b होल स्केयर और ये इसकी राइट साइड बनेगी sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड कर दो, x ओवर a होल स्केयर प्लस y ओवर b होल स्केयर इक्वल cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल 1। क्यों, रीजन क्या है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है कि ये 1 के इक्वल होती है, तो ये राइट साइड इसकी 1 की इक्वल आ जाएगी और लेफ्ट साइड आएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल 1। तो यही जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स थी। क्वेश्चन 7 पार्ट 3 है, शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल a secant थीटा y इक्वल b tan थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल 1। हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, पहली है x इक्वल a secant थीटा, दूसरी है y इक्वल b tan थीटा। अब देखें इधर हमारे पास हाइपरबोला में x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पैरामीटर थीटा को इलिमिनेट करना है इन दोनों इक्वेशनों में। इसको इजीएस्ट वे ये है कि आप यहाँ से इक्वेशन 1 से जो है आप इक्वेशन 1 से x ओवर a की वैल्यू निकालें वो आएगी secant थीटा, और इक्वेशन 2 से y ओवर b की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी tan थीटा। तो आपने क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 और 4 में से थीटा को इलिमिनेट करना है, तो आप जो अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे इक्वेशन 3 का भी स्क्वायर ले लें और इक्वेशन 4 का भी स्क्वायर ले लें और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे,
इक्वेशन थ्री का हम स्केयर लेंगे एक्स ओवर ए स्केयर, इधर आएगा सीकेंट स्केयर थीटा। इक्वेशन फोर का स्केयर वाई ओवर बी स्केयर, इधर आएगा टेन स्केयर थीटा, और उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्योंकि जो इलिप्स की इक्वेशन दी, हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है वो है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, तो इसलिए हम अपने स्केयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो यह आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल, ये देखें ये वैल्यू आई सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है, एक तो होती है कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल वन, एक होती है वन प्लस टेन स्केयर थीटा इक्वल सीकेंट स्केयर थीटा। तो अगर हम यहाँ से सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा की वैल्यू लें तो वन के इक्वल आएगी। ये टेन स्केयर थीटा को इस तरफ शिफ्ट कर लें आप, तो वन इक्वल सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा इक्वल वन। तो ये आगे हमारे पास सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा की वैल्यू आ गई वन। तो ये जो है हाइपरबोला की इक्वेशन है। प्रूव द आइडेंटिटी साइन हाइपरबोलिक टू एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो हमारे पास जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर टू, साइन का है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर टू। इसी तरह अगर हम साइन हाइपरबोलिक टू एक्स की वैल्यू लेंगे, देखिए इधर एक्स है तो इधर पावर एक्स है ई पावर एक्स, अगर साइन हाइपरबोलिक टू एक्स है तो ई पावर टू एक्स माइनस ई पावर माइनस टू एक्स ओवर टू, ये इक्वेशन नंबर वन आ गई। अब आप इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स टू, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू डॉट कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में हमारे पास टू बचेगा। न्यूमिनेटर के दो फैक्टर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप फार्मूला लगाएं ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये फार्मूला आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ये देखें ई पावर एक्स स्केयर, तो ये पावर ऑफ पावर कैसे इसको डील करते हैं हम, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स आएगा, ई पावर टू एक्स माइनस ई पावर माइनस टू एक्स ओवर टू। तो ये इक्वेशन टू आ गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर वन और टू का आंसर जो है सेम है, तो ये इक्वेशन वन का आंसर और इक्वेशन टू का आंसर दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन हाइपरबोलिक टू एक्स की वैल्यू जो है टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होगी। टू है सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इक्वल वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। देखिए हमारे पास जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर टू, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा कॉस का वो सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी टू ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड आएगी जी सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, तो ये वैल्यू आएगी टू ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्केयर। तो टू का स्केयर अलग ले लें आप, टू स्केयर फोर, और डिनोमिनेटर का स्केयर आएगा जी ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्केयर। ये इक्वेशन नंबर वन आ गई। अब आप इसकी राइट हैंड साइड ले लोगे, राइट हैंड साइड है हमारे पास वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, तो यह आएगा जी वन माइनस टेन की वैल्यू होती है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्केयर। तो वन माइनस न्यूमिरेटर का स्केयर अलग था ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स स्केयर ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्केयर। डिनोमिनेटर में हमारे पास इधर वन है और इधर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स स्केयर है, वन और ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्केयर का जो एलसीएम आएगा वो आएगा जी ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्केयर। तो वन को इससे डिवाइड करेंगे, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स स्केयर को वन से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा, इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स स्केयर माइनस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे वन आएगा, वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड इक्वल, ऊपर आएगा जी ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्केयर माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्केयर, और नीचे आएगा जी ई पावर एक्स
प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। न्यूमिरेटर पे आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, देखें ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, ये होता है 4ab, इसको आप एक्सपेंड कर लो तो ये आंसर आएगा 4ab। ये फार्मूला जब इधर अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड आएगी हमारे पास 4, ए की वैल्यू है ई पावर एक्स, बी की वैल्यू है ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो ये कैंसल आउट टर्म हो जाएगी तो आंसर आएगा जी 4 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 का आंसर देखिए आप सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर सेकंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सेकंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। नंबर 3 क्वेश्चन 8, कोसेकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इक्वल कॉट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले आप देखें साइन हाइपरबॉलिक एक्स का फार्मूला ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो कोसेकेंट जो है वो साइन हाइपरबॉलिक का रेसिप्रोकल है, यानी कोसेकेंट हाइपरबॉलिक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन हाइपरबॉलिक एक्स, इसलिए कोसेकेंट हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू आएगी 2 ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। इसी तरह कॉट हाइपरबॉलिक एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। अब आप इन दोनों फार्मूलाज को इसमें पुट करेंगे और लेफ्ट और राइट साइड को आपने खुद इक्वल करना है, तो ये आपकी असाइनमेंट है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें हमने फाइंड करना है कि एक गिवन फंक्शन जो है इवन होगा या ऑड, डिटरमाइन वेदर गिवन फंक्शन एफ इज इवन और ऑड। पहला है पार्ट वन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स। इसका प्रोसीजर ये होता है कि आपने फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना है, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आएगी माइनस एक्स होल क्यूब प्लस माइनस एक्स, तो माइनस एक्स होल क्यूब आएगा, ये पावर ऑड है, नेगेटिव की पावर ऑड है तो ये नेगेटिव आंसर आएगा। इसी तरह इसकी पावर भी ऑड है 1, तो इसका भी आंसर माइनस नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। इन दोनों में से आप नेगेटिव कॉमन लेंगे तो आंसर आएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो ये आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल नेगेटिव ऑफ द फंक्शन। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स इज एन ऑड फंक्शन। इसका पार्ट टू देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, आप इसको पहले एक्सपेंड कर लो स्क्वायर ओपन कर लो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 4, ए प्लस बी स्क्वायर ओपन करेंगे। अब इसमें आप एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आएगी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4, तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 इंटू माइनस एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, तो ये इसको आप समराइज करेंगे तो ये बनेगा एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ये एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर जो है हम इसको नहीं लिख सकते माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो बनेगी माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो है एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, तो माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई है एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, देखिए माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है। तो इसी तरह एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी नहीं है और ना ही ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर ना तो ये इवन है ना ही ऑड है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा माइनस एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये माइनस एक्स वैसे आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये जो है आप देखें ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स दोनों इक्वल है, तो ये जो हमारा गिवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है। इसी तरह ये पार्ट नंबर 4 है x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, यहाँ x की वैल्यू माइनस 1 नहीं होनी चाहिए, यानी डोमेन में हम ये पॉइंट नहीं लेंगे माइनस 1, अगर माइनस 1 पुट करते हैं तो माइनस 1 प्लस 1
डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल, ये इस x का साइन चेंज करना है माइनस एफ, ये माइनस वन वैसे आएगा और इसका साइन चेंज करना है, इसका साइन प्लस है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, ये वैसे। तो ऊपर से आप न्यूमिनेटर से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स प्लस वन ओवर माइनस एक्स प्लस वन। अब देखें ये जो फंक्शन आया हमारे पास ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, कैसे पता लगा कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास है एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँ माइनस एफ ऑफ एक्स कितना होगा माइनस एक्स माइनस वन ब्रैकेट ओवर एक्स प्लस वन, तो यह आएगा माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन, ये वैल्यू आ रही है माइनस एफ ऑफ एक्स की। और हमारे पास जो आ रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है वो आ रहा है माइनस एक्स प्लस वन ओवर माइनस एक्स प्लस वन, तो दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब है ये जो फंक्शन आया है ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है और ना ही ये जो फंक्शन है एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो है ना ही एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। पार्ट नंबर फाइव देखें, एफ एक्स इक्वल एक्स पावर टू ओवर थ्री प्लस सिक्स। सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को रीराइट करेंगे, दोबारा लिख लें तो एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल पावर वन ओवर थ्री, यू लिख लें एक्स स्क्वायर होल पावर वन ओवर थ्री प्लस सिक्स। अब आप इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यह आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर वन ओवर थ्री प्लस सिक्स, तो ये बन जाएगा। अब इस माइनस एक्स का स्क्वायर लेंगे जब आप तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा पावर वन ओवर थ्री, तो फिर ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा एक्स पावर टू ओवर थ्री प्लस सिक्स, तो ये ओरिजिनल फंक्शन आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स पावर टू ओवर थ्री प्लस सिक्स इज एन इवन फंक्शन। क्वेश्चन नाइन का पार्ट सिक्स है, फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें हम x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आएगी माइनस एक्स होल क्यूब माइनस माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यह आएगा जी माइनस एक्स क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स ओवर माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से न्यूमिनेटर से अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो बचेगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल वैल्यू आ गई। इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये गिवन फंक्शन है इज एन ऑड फंक्शन। सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।